अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, और आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो भाई जान, आज है ईद का तीसरा दिन और हम अपनी आदत से मजबूर गाड़ी का काम करवाने के लिए जा रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ साथ रहे और आपको भी दिखाते हैं आज क्या क्या काम कराना है। कुछ ज़्यादा नहीं, हम लाइल फिल्टर करवाना है और छोटा मोटा पेपरिंग वगैरह करवानी है और कुछ इलेक्ट्रिकल काम है, सारा कुछ करवाते हैं। ये हमारे फिजान भाई देखें घर के काम कर रहे हैं सुबह, चेक करें उस्तादी, ये कटिंग चेक करें भाई की। तो भाई चलते हैं बगैर किसी देरी के। आपके लिए यही है कि मुझे ईदी में आप जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें तो मेरी ईदी ओके हो जाएगी। नहीं तो चलो भाई, हाँ तो बहुत सामान ले आए हैं हम, चेक करते हैं। फिल्टर हो गया, ये SPP हो गया, ये डालते हैं और इसका मैं आपको काम बताता हूँ बाद में। तो भाई ये दो हो गए, ये तीन लीटर और 2 लीटर, ये हमने एक्स्ट्रा लिया थोड़ा सा, और तकरीबन 7,000 रुपये का तो ये सामान आ गया। अब इसको अंदर रखते हैं उठा के, तो यहाँ पे रखो, ये दरवाज़ा खोलते हैं और फिलहाल भाई को अंदर करते हैं। ओ हाँ, तो भाई चेक कर सकते हैं, गाड़ी हमने बाहर निकाल ली है और देखें कल फ्रेश इसको नई नई करवाई है तो कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। और बस अब इसको लेके चलते हैं, इसका काम शाम करवाते हैं। तो भाई ये कलर चेक कर सकते हो आप, दिन में तो इतना प्यारा लगता है ना जब साफ़ हो। तो बाकी अब चलते हैं जाके इसका काम शाम करवाते हैं, सामान वगैरह हमने अंदर रख लिया इसका। और चलो भाई चेक कर सकते हो, इंटीरियर भी साफ़ सुथरा हुआ पड़ा, सारा हैवी हो पड़ा सामान हमने वो रखा। अब चलो भाई चलें। तो भाई जान हम गैरेज में पहुँचे हैं, खाने वाले कल मशहूर गैरेज जोनी गैरेज। तो गाड़ी अपनी वो खड़ी हुई है, तब मैकेनिक साहब को ईद की तिथि स्पेशल बुलवाया, ये अपने मैकेनिक भाई हैं। तो अब ये गाड़ी को खोलते हैं, चेक करते हैं और इसका मोबाइल फिल्टर चेंज करते हैं और जो भी छोटा मोटा काम है वो और करवाते हैं, गाड़ी को ओके करते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ना भाई क्या काम होता है STP का। तो STP का जो काम होता है ना, इसको अब पाकिस्तान में STP कहते हैं, बाहर के ममालिक में चले जाओ जैसे अमेरिका या इधर उधर तो वहाँ पे इसको कहते हैं स्टॉक ऑयल। तो इसका काम ये होता है कि ना, जैसे कि अब है ना मिसाल के तौर पे इस गाड़ी का इंजन है थोड़ा सा वीक, तो अब इसका काम ये होगा कि ना जो मोबाइल की ना जो आप कह लो कि जो मोबाइल होता है ना उसको ना थोड़ा सा गाढ़ा कर देते हैं। इससे ये होगा कि मोबाइल एक तो ना आपका थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, उससे गाड़ी अगर आपकी गाड़ी धुआं मारती है तो धुआं मारना छोड़ जाएगी, मोबाइल पीती है तो मोबाइल पीना छोड़ जाएगी और इंजन की आवाज़ें कम हो जाएंगी। अच्छा अमूमन ये ज़्यादातर लोग वो लोग डालते हैं जो ना गाड़ियाँ सेल करते हैं, जैसे कि शोरूम वाले हो गए या कोई सेल परचेसर है जैसे कि ना गाड़ी का, तो वो ज़्यादातर ये चीज़ें डालता है कि ना उसकी गाड़ी की जो भी ऐप शेयर है वो छुप जाए। तो हमारी गाड़ी में इस वजह से डाल रहा है कि ना इस गाड़ी का ना मतलब इंजन वीक तो नहीं है, वीक तो नहीं कह सकते, जिस दिन हमने ली थी ना उस दिन हमने जब इसका मोबाइल चेंज करवाया था, जैसे कि आपने प्रीवियस व्लॉग में देखा होगा जब हमने ये ली थी, तो इसका ना हमने गलती से डाल दिया 10-40, जिसकी वजह से अब गाड़ी ना मोबाइल ना पीना शुरू कर रही है, मतलब खाना खा रही है, थोड़ा थोड़ा धुआं दे रही है, क्योंकि इसके अंदर ना इसकी इंजन के हिसाब से मोबाइल पतला डाला। आप यही कह लो कि ना आपकी वेस्ट है 36 और हमने आपको सुना दिया 34, तो यही हिसाब हुआ पड़ा इसके साथ। तो अब इसका मोबाइल को जो इसके इंजन का ग्रेड है वो उस हिसाब से इसका मोबाइल चेंज करते हैं, थोड़ा सा STP डालते हैं ताकि जो भी मसला मसाइल है एक बार सेट हो जाए एक बारी के लिए, उसके बाद इसको इंजन के ना जेन्युइन जो उसका होगा फिर वो इसकी मोबाइल चेंज किया करेंगे। तो फिलहाल ये दुकान ओपन हो रही है, मतलब बंद कर रहे हैं, यहाँ से ये ओपन करेंगे, यहाँ पर गाड़ी अंदर ले जाके ना या यहीं पर जैसे भी होगा यहाँ पर मोबाइल चेंज करते हैं और फिर इसको ओके करते हैं। तो भाई जान यहाँ पर एक छोटी सी नोबॉल हो गई थी, फ़िल्टर हम गलत लेके आ गए थे, बल्कि उस दुकान वाले वगैरह ने गलत दिया था, तो वो फ़िल्टर अब चेंज करवा के मैं आया हूँ। तो उसके बाद फ़िल्टर ये मोबाइल शुबलाइल डाल रहे हैं भाई हैवी करके, तो शेल 20-50 अब इसके लिए है। तो भाई बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, क्या बात है, उससे पहले दूसरा अच्छा वो नहीं डाला, सही हो अच्छा STP इसके अंदर पहले डाल दिया भाई ने, भाई फुल मजे लेके डाल रहे हैं पुलिस में ना मोबाइल। अच्छा चलो अच्छा। ये होता है STP, आप चेक कर सकते हो कितना गाढ़ा है, मतलब ना ये चेक करो आप,
आपको ज़रा दिखा देता हूँ, ये अगर आपको नज़र आ रहा है तो रुको ज़रा, नज़र आया आपको ये चीज़ होती है एसटी पे, ये चीज़ किसके अंदर डाल दो, मोबाइल में डाल दो, प्रधान सर ऊपर करके डालिए ज़रा, दिखाएं व्यूअर्स को भी क्या चीज़ होती है इससे, इससे डाल, हाँ थोड़ा सही है, चलो भाई अच्छी तरह हिलाएंगे, फिर इसका शेक बनाएंगे, फिर फिजान भाई को पिलाएंगे, फिजान में धुआं छोड़ जाएगा, फिर ऐसे ही है। चलो इसको ना रखना है ना। तो भाई जनाब हम आ गए हैं अल मशहूर भाई फहद भाई के पास, अभी गाड़ी बैक होकर यहाँ पे लग रहे, देख रहे आप पीछे सारा टेंट खराब है, ये वैसे लगा भी बाहर से होगा, ये उतार के अंदर की तरफ से लगवाना है, लाइटों पे थोड़ी सी हैंकी पैंकी करवाते हैं, और ये अपने फहद भाई हैं अल मशहूर अल मदीना कार एसी एंड पेपर एंड डेकोरेशन वाले, आने रहने फिजान आगे करके यहाँ पे लगानी है, इधर आधी आधी इधर चढ़े इस जगह पे, हाँ ऐसे जाने दे, अभी भी हल्का हल्का मार ही धुआं सेट हो जाएगी, अब डला हुआ है ना वो एसटीपी इस वजह से, आने दे आने दे आने दे आने दे आने दे और आने दे आने दे आने दे आने दे, बस वाला अपना मीट बना रहा था, और आने दे, हमने ये बैक लाइट खोली है इसकी, और ये ना यहाँ से टूटी हुई है, तो इसका पीस सबसे पहले हमने ढूंढा है, तो हमें ये पीस मिला है इसका, तो अब ये यहाँ पे हमने लगा के ना ये यहाँ पे ऐसे रख के, तो इसको एल सी लगाते हैं, तो इसको मैं एक बार रिपेयर कर लूँ, ये देखें ना यहाँ पे इसको रख के एल सी लगेगी और फिर ये ओके हो जाएगा, तो सबसे पहले मैं कर लूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। हाँ तो बॉयज आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ से ना मैंने इतना पेपर कटवा दिया, ठीक है अब ना यहाँ पे ये साफ़ करके ना अच्छी तरह, फिर यहाँ पे लगेगा ब्लैक हल्का ब्लैक, तो फिर हो जाएगा गुड, फिर ये लगेगी, कौन सी लाइट लगेंगी फिजान में बताना, कौन सी इन्हें नाम ही नहीं आ रहा उड़े, कौन सी लगेंगी तो या ये लगेंगी वो आर एस की तरह के ना कॉपी शॉपी हो जाएगी फुल हैवी वाली, ठीक है ना, हाँ 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 ठीक है यार, आप हंस रहे हो मेरे, कौन सी लगेगी, मैंने कहा जो उनसे लगी हुई है ऐसी लगी यार, वो मैं मेरा कहने का मकसद ये है ना भाई, आपको बताओ किस तरह की लगेंगी लाइटें, समझ लो किस तरह की कॉपी करना चाह रहे हैं हम, उन्हें वो देखो यार पीछे मैरू खड़ी है बड़ी एकदम टोटल जेन्युइन मैरू, वाओ माशाल्लाह 15 मॉडल है यार ये भी, तो अभी उतारते हैं फहद भाई, तो फिर देखते हैं क्या बनता है, जान चेक करें भाई आपकी बाइक की कार कर चुकी, चेक करें लग रही है ना लाइट नज़र भी आ रही है कि नहीं आ रही, एक मिनट लाइट गाड़ी को थोड़ा सा धूप में करके देखते हैं, उसके बाद आपको भी दिखाते हैं, खुद भी देखते हैं, मज़े लेते हैं, चेक करते हैं कैसी बनती है गाड़ी, बाकी शीशा चेक कर ले, हो गया ओके। हाँ तो भाई जैसा कि आप देख सकते हैं लाइटों में तो यार बेहतरीन हो गया मेरे ख्याल से, तो ना प्यारी लग रही है लाइटें अब तक, तो बाकी शीशा भी हो गया, अपनी ट्यूनिंग भी हो गई है, मोबाइल फिल्टर भी हो गया, तो बस अब चलते हैं घरों घर ही, क्योंकि गर्मी बहुत है, और आप फ्रंट से भी देख लें एक बारी, तो गुड हो गया काम माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दो जल्दी जल्दी, तो मिलते हैं आपसे किसी और ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।